अब आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आपको अपने बालों पर लगाना होगा और इसे अप्लाई कर सकते हैं आधे से पौने घंटे के लिए। बस इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं जो है आपको आगे पूरी रेमेडी दिखाने वाली हूँ, रिजल्ट भी मैं आपको साथ के साथ दिखा रही हूँ कि कैसे हमारे सफ़ेद बाल जो है काले होने शुरू हो गए थे। तो बस आपको उसको हफ्ते में दो बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोग सभी ठीक होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जो आज मैं बताने वाली, वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आधे से पौने घंटे के अंदर मैं जो बताने वाली हूँ कि हमारा जो है सफ़ेद बाल जड़ से काले होने शुरू हो जाएंगे, बालों को काला करने का तरीका बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बताती हूँ। और ये रेमेडी जो है इसका सारा इंग्रेडिएंट्स जो है मैं लिंक में दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। और कोई भी आपको जो भी मैं प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ सब ये जेन्युइन है, 100% प्रोडक्ट एंड जो है ये नेचुरल है। और जो आज जो मैं बताने वाली सिर्फ चार प्रोडक्ट से जो है, चार हमारे घरेलू चीज़ों से जो है हम अपने सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एक बाउल लेना होगा, किसी भी टाइप का बाउल ले लीजिएगा, पर याद रखिएगा स्टील की कटोरी या स्टील का कोई भी मत लीजिएगा जिसपे जो है अच्छे से कलर नहीं आ पाता है। तो देखिए यहाँ मैं जो सबसे पहले लेने वाली हूँ, और हाँ मैं आपको एक एक सारी चीज़ें दिखाना चाहूँगी, और क्योंकि इससे क्या होगा कि जितना हम लोग आप लोगों पे, आप हम लोगों पे ट्रस्ट करते हैं वैसे ही हम आप लोगों के साथ पूरा जो है बिल्कुल जेन्युइन काम करेंगे। तो देखिए यहाँ मैं जो लेने वाली हूँ नीम लीफ पाउडर, और ये बिल्कुल केमिकल फ्री है और ये आपको अमेजोन में बहुत ही अच्छे दामों पर, कम दामों पर मिल जाएगा। तो यहाँ जो है मैं नीम लीफ पाउडर ले रही हूँ। अगर आपके पास नीम लीफ पाउडर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह आप मेहंदी पाउडर भी ले सकते हैं या आप लोग जो है काला कत्था ले सकते हैं, बट यहाँ पर हमें बालों में कलर लाना है, टेक्सचर लाना है, तो मैं यहाँ पर जो है नीम लीफ पाउडर ले रही हूँ। आप इसकी जगह जो है सब्स्टिट्यूट के चक्कर में आप जो है इसमें मेहंदी भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये ले ली, और जो मैं क्वांटिटी बना रही हूँ ये सिर्फ हमारे सफ़ेद बालों के लिए, ना कि मैं ये पूरे बालों के लिए कह रही हूँ। अगर हाँ, अगर आपको पूरे बालों पे लगाना है, पूरे बालों पे लगा के रखना है आधा पौना घंटे के लिए, तो क्या कीजिएगा इसकी क्वांटिटी को 2 से 2.5 चम्मच कर दीजिएगा। नेक्स्ट चीज जो मैं लेने वाली हूँ हिबिस्किस पाउडर। इसमें क्या होता है कि काफ़ी अच्छा एक कलर आ जाता है बालों में, एक शाइनिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है और बाल बिल्कुल नेचुरल काले लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों ने कोई कलर किया है, डाई किया है। तो यहाँ मैं जो है हिबिस्किस पाउडर ले रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब। सबकी क्वांटिटी को सेम रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा। देख सकते हैं आप, यहाँ मैं हिबिस्किस पाउडर ले रही हूँ। अगर आपके पास कॉफी पाउडर है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बट मैं आज जो है बिना कॉफी पाउडर के आप लोगों के साथ जो है ट्राई करने वाली हूँ। देखिए लास्ट थर्ड चीज मैं जो लेने वाली, चॉकलेट क्ले। चॉकलेट क्ले क्या होता है कि ये काफी जो है हमारी स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है, हेयर्स के लिए भी अच्छा होता है, ये हमारे स्कैल्प के लिए, स्पेशली हमारे स्कैल्प्स के लिए होता है। तो जिससे कि हमारे बाल जो है नेचुरल काले तो होते हैं, और ये केमिकल फ्री होने की वजह से क्या होता है कि हमारे बालों पे एक अच्छा सा रंग चढ़ जाता है। अगर आप मेहंदी नहीं भी लेना चाहते चॉकलेट क्ले को जरूर ऐड कीजिएगा। ये आपको जो आराम से जो है अमेजोन में मिल जाएगा, आप वहां जाके इसे जो है परचेज कर सकते हैं। इस तरीके का थोड़ा सा मैं आपको जो है स्पून में दिखाती हूँ, देख सकते हैं। और क्या होता है कि इससे हमारे बालों में बहुत ही अच्छा एक थिकनेस आ जाती है, बालों की वॉल्यूम अच्छी हो जाती है। थिकनेस के साथ साथ हमारे जो है बाल बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारे बालों में एक बहुत ही अच्छा एक कंडीशनिंग हो जाता है, बाल हमारे जो है बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ होना शुरू हो जाते हैं। ये चॉकलेट क्ले है, बट आप लोगों को शायद ये थोड़ा कलर इस तरीके से दिख रहा है, बट ये हल्का सा ब्राउनिश कलर है। थोड़ा सा मैं इसको जो है लाइटिंग का दिखाती हूँ, इस तरीके का ये है, इस तरीके का। तो ये थोड़ा सा चॉकलेट सा कलर का, डार्क चॉकलेट जैसे आप लोगों ने देखा होगा उस टाइप का है, बस उसी टाइप का ये, इसको जो है आपको, आप लोगों को जो स्क्रीन पे थोड़ा सा ग्रेश दिख रहा होगा इसको ऐड कर लीजिएगा। इन तीन प्रोडक्ट को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपको पता है इसके अंदर विटामिन ई, विटामिन ई के साथ साथ विटामिन सी है, विटामिन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को जो खाने पीने से नहीं मिलता है, वो जो हमारे लगाने से मिल जाता है। आप इसके अंदर जो है लेमन पील पाउडर को भी ऐड कर सकते हैं, साथ के साथ हमारी जो स्कैल्प है बहुत ज्यादा जो ड्राई हो चुकी है वो बिल्कुल जो है पावरफुल हो जाएगी, काफी अच्छी हो जाएगी। और इन सब के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, काफी सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे स्किन को, स्कैल्प को जाके बहुत बेहतर कर देता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये जो ले लिया है। अब लास्ट जो इसमें जो लेने वाली जटामासी, जटामासी जो आपको आराम से मिल जाएगा। अब आपने सुना ही होगा, नाम भी देखिए सुन के आपको लग ही रहा होगा जटामासी। जटामासी जो बालों की जटाएं होती है, जो लंबे बाल हमारे को करने होते हैं, हेयर ग्रोथ करनी होती है, बालों की वॉल्यूम अच्छी बनानी होती है, बालों को काला करना होता है। आज के टाइम में काफी लोग जो है केमिकल यूज कर करके, जैसे बालों को कलरिंग करके, बालों में बहुत सारी ऐसी चीजें जो यूज करते हैं, हाईलाइट करवा लेते हैं, बैलेंस करवा लेते हैं, काफी सारी ऐसी चीजें जिनसे आप लोग बचना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारी स्किन को जो काफी जो है हमारे बालों की स्कैल्प को जो बहुत ज्यादा हार्म होता है, हमारे बाल जो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, इस तरीके का ये है। तो मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच लूंगी और इसे जरूर ऐड कीजिएगा, इससे हमारे बालों की जो है स्मूथनेस काफी अच्छी आ जाएगी, बाल आपको जो बार बार जो हेयर स्पा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके का ये प्रोडक्ट है।
और ये बहुत इजीली आपको जो अमेजोन में मिल जाएगा, आपको आराम से इससे जो आप परचेज कर सकते हैं। तो ये चार चीजें मैंने यहाँ पर ली है। वैसे मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इनके बारे में, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट इसके अंदर यूज किए। तो आप इसके अंदर जो पानी भी ऐड कर सकते हैं, नारियल तेल भी ऐड कर सकते हैं, और हाँ साथ के साथ आप अगर आपको लगता है कि नारियल तेल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप तीसरा बादाम ऑयल हो गया या कोई ऐसी चीज होगी उनको ऐड बिल्कुल मत कीजिएगा। आप हो सके तो नारियल तेल या चाय पत्ती का पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो है बहुत ही अच्छा है। ये आपको पता होगा कि जटामासी जो हिमालयन में जाके जो इनके जो ट्रीज होते हैं उनके पेड़ों को काट के उनकी जड़ों को काट के जो है इनको बनाया जाता है। स्पेशली इसमें पर्पज से बनाया जाता है कि हमारे बालों को नेचुरल एक काला कलर आए। काफी लोग जो काला कत्था यूज करते हैं आप उसकी जगह जटामासी का भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर अच्छा रिजल्ट देगा और आपको देखिए खुद ही आपको जो हफ्ते में 2 से 3 बार लगाने के बाद ही आप लोगों को बेटर रिजल्ट मिलने वाला है। और सिर्फ आपको आधा पौना घंटा रखना है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे इस टाइम जैसे नॉर्थ साइड में क्या है विंटर चल रहा है तो मैं स्पेशली सबको कहूंगी 40 से 45 मिनट्स रखिएगा। बट जैसे कि अगर समर्स है, जैसे किसी साइड में अगर जैसे कि गर्मियों का जैसा मौसम है या कुछ बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो आप लोग वहां पर 15 से 20 मिनट रखेंगे तो रिजल्ट आपको तब भी बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसके अंदर जो है पानी ऐड करती हूँ। हम इसके अंदर जो है नॉर्मल जो है वाटर ऐड करने वाले हैं और एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। बिल्कुल पतला घोल नहीं बनाना है कि जो बालों में अच्छे से चिपके ना। तो मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी जो है मैंने इसमें 5 से 6 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको अब अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर पानी की कमी है, पानी कम है, तो आप इसके अंदर नारियल तेल भी ऐड कर सकते हैं। नारियल तेल से भी काफी अच्छा एक कलर आ जाएगा। स्पेशली जटाबासी और चॉकलेट कलर को जरूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही अच्छा एक पेस्ट बन जाएगा आपके बालों के लिए। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये पेस्ट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए और आप इसे जो अपने बालों पे तुरंत आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 5 से 7 मिनट उसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। देख सकते ये कलर ही अभी जो है ब्लैक देने लग गया है। बस इसी तरीके से जैसे ये ब्लैक दे रहा है बस इसी तरीके से आपके बालों को भी नेचुरल ब्लैक दे देगा। बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है, बिल्कुल केमिकल फ्री है, पैराबिन फ्री है। ना इसके अंदर कोई सिलिकॉन है, ना कुछ ऐड किया गया है, ना इसके अंदर कोई मिनरल ऐड किया गया है। अब आप देख सकते हैं मैंने व्हाइट कटोरी में इसी वजह से बनाया था। यही मेरा एक खास मकसद था कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो देख सकते हैं आप लोग ये मेरा जो है पेस्ट बनके तैयार हो गया। काफी अच्छा एक प्रोडक्ट जो है ये बन चुका है। अब आप इसे जो है अब लगाने के लिए तैयार है। आप इसे अपने बालों पर लगाइएगा और रिजल्ट देखिएगा आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। देख सकते हैं आप लोग बस ये हमारी रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस इसी तरीके से इसको बनाइएगा और लगाइए।